हमारी गलती है, अगली बार से ना हम अपने खाने का सामान अपने साथ कैरी करेंगे कि कभी हमें मार्केट जाने की दोबारा जरूरत ना पड़े। आज तेल लाइट ना हम लेंगे इतना। सो अपने गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो अपने पास एक एक्स्ट्रा फ्यूल है, तो इसको इस सिलेंडर को मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो देख लो कैसे लगता है। वो बहुत इजी है इसे लगाना। टेंट ऐसे लगाते हैं भाई, पकड़ ले भाई, ने बीच में बोला बीच में डंडी पकड़। ऊपर वाले में लगाना। सो गाइस हम लगाने जा रहे हैं टेंट, आपको दिखाते हैं कैसा टेंट लगाया जाता है। सबसे पहले ये बेस वाला बिछाया जाता है और ये डंडियां अलग अलग यहाँ से खुल जाती है, रबड़ से जुड़ी होती है। टॉप का बिछाया ऊपर पानी, इसको पहले बेस वाला ऊपर उड़ाया जाता है। ये नीचे बेस है, मतलब ये तरपाल है, इसके नीचे पानी निकलता रहता है नीचे, और ये डंडियां अलग अलग होती हैं, ये रबड़ से घुमाऊंगा फंस जाती है। अभी दिखाता हूं इस वाले में लगाएंगे, दिखाते हैं कैसे लग जाती है। तो भाई बारिश का मौसम हो रहा है, फटाफट लगाते हैं टेंट को अपने। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पर। फिलहाल जो कैंपिंग स्पॉट बताया था मेरे फ्रेंड राहुल ने, वो थोड़ा दूरी पर था, बाइक हमें नीचे छोड़नी पड़ती तो हम ये रिस्क ले नहीं सकते थे, बिकॉज बाइक पे है काफ़ी सारा लगेज और ऊपर लेके जाना पड़ता, फिर यार इतनी मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ जाती, और बाई चांस अगर बारिश हो जाती तो ये सारा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। सो लगेज को उतारने में होगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अभी लक्ष्य भाई और हर्षित टेंट सेटअप कर रहे हैं। भाई कुछ खिला दो यार, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। चलो मैं अभी थोड़ी देर में बनाता हूँ कुछ। फिलहाल अभी आप मेरे पीछे देखो यार नज़ारा, फुल उधर से बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, और बादलों में BTR हर्षित टेंट लगा रहे। सो टेंट एक्चुअली क्या ना, अगर टेंट लगाना हो तो थोड़ा सा मेहनत लग जाती है। अगर क्लिप आपने जरा टेढ़ी मेढ़ी लगा दी तो पूरे टेंट का ढांचा बिगड़ जाता है, फिर आपको दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। ढांचा बिगड़ चुका है, ऐसे दो बंदे टेंट में कहा, अब दो बंदे देखो टेंट में। अगर लक्ष्य भाई देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेंट है मेरा, तो कोई बॉडी पेन कोई नेक पेन नहीं होता जब मैं अकेला था टेंट में। और इस बार हुआ आपको? तो सारे पेन आ गए। देखो मैं आपको ना एक नई चीज बताने वाला हूँ, ये है थोड़ा सा ऐसे स्लाइड में, ताकि बारिश पड़ेगी तो पानी नीचे से निकल जाएगा। और ये टेंट है मेरा जिसमें लगेज आ जाएगा, मैं अकेला सोऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टेंट है इन दोनों का, इसमें क्या होगा, लक्ष्य भाई सोएंगे उधर कोने में और हर्षित सोएगा इधर, तो ढलान है, हर्षित जाएगा सीधे लक्ष्य भाई के ऊपर और रात भर आवाज आने वाली है। तो अभी क्या हुआ, एक्चुअली हम लोगों ने पूरा सेटअप कर लिया था अच्छे से, और एकदम से क्या हुआ कि बारिश आ गई तो ये तिरपाल फिर हमें लगाना पड़ गया। अभी मैंने बनाया है पास्ता, ये वाला मैगी वाला पास्ता, ये वाला पास्ता आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। इवन सुंदर नगर में हम लोग मिले थे तो मैंने एक शॉप पर यही वाला पास्ता देखा था रखा हुआ, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 25 रुपीज़ लिखी हुई है, बट 20 रुपीज़ में मिल जाता है ये हर जगह। और सेकंड चीज़ ये क्यों कैरी करते हैं, क्योंकि पास्ता मैगी एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पूरे दिन राइड कर रहे होते हैं, लंच करते हैं। अब लंच हमने किया 1 बजे, उसके बाद हम 6 बजे तक राइड करते हैं, क्योंकि हमें कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचना होता है या होटल में भी पहुंचना होता है। तो क्या होता है कि अब हम पहुंचे और हमें लग रही होती है भूख,
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम डिनर तो कर नहीं सकते क्योंकि डिनर उस टाइम पे कर लिया तो फिर रात को 10-11 बजे हमें लगेगी दोबारा से भूख। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा फटाफट ये पास्ता बनाया खाया तो थोड़ा टाइम हम इसमें निकाल सकते हैं और फिर उसका अपने डिनर रेडी कर सकते हैं जो हमें खाना है। सो अपने गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो अपने पास एक एक्स्ट्रा फ्यूल है तो इसको इस सिलेंडर को मैं इसमें लगा रहा हूँ तो देख लो कैसे लगता है। वो बहुत ईजी है इसे लगाना। तो जो ये कट है ये इस कट को बस उसके लॉक में फंसाना होता है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये जो पहला सिलेंडर जो था जो मैंने अभी निकाल के रखा है ये वाला, इसमें हमने क्या किया कि पहले दिन जब कैंपिंग करी वो खाना बनाया, पूरा ब्रेकफास्ट बनाया, नाश्ता बनाया, फिर अगले दिन फिर बनाया खाया। मतलब अब तक हम इसमें 2.5 दिन की कैंपिंग कर चुके हैं जिसमें हमने प्रॉपर खाना बनाया है। तो अब ये लगा रहे हैं, अब देखते हैं ये कितना चलता है। तो मैं नोटिस रखूँगा कि कितना चल रहा है। फ़िलहाल अभी इधर मैंने उबाले हैं एग और प्याज काटी है, आलू काटे हैं। प्लान तो था एग करी और राइस बनाने का, बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो एग करी और वो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँ कि एग बिरयानी बना लूँ ताकि जल्दी बन जाए और हम लोग खा सके। तो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा। ये रहा लॉक, तो ये इस लॉक में हमें ये फंसाना होता है और ये गोल सा जो आप ये नोज़ल देख रहे हैं ना, ये पॉइंट उसके अंदर जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्यार से डालना है बहुत ही, और ईजीली लग गया। इस लॉक को छोड़ना है, देन अगर अब इसको क्या करेंगे, ये लोड होगा, कैसे होगा ये देख लीजिए। इसके दबाएंगे तो ये लोड हो गया, उसके बाद सिंपल अपना गैस चालू, बिरयानी बनाने का आ गया है टाइम। ये है सरसों का तेल, इसको डालेंगे और फिर इसके बाद इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे, देन उसके बाद सीधे खड़े मसाले डालेंगे। सो अभी इधर हो रहे हैं एग फ्राई, ये एग अभी फ्राई हो रहे हैं, इनको छीला है हर्षित भाई ने। अभी उधर चावल भी धोए जा रहे हैं। सो एग बिरयानी बनके तैयार हो गई है और मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है और लक्ष्य भाई और हर्षित भाई को भी दे दिया है। तो बस अब इनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। स्वाद अनुसार लीजिए अंडा, साथ में रखिए थोड़े चावल। कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं हो गया लंबा भाई? सही बताऊं बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, बट थोड़ा सा ना तेल एक्सेस, मतलब स्वाद आ ये थोड़ा तेल ना कड़वा है। सो एक्चुअली जो हम लोगों ने ऑयल यूज किया था वो था ये वाला, और सच हाँ मशाल कंपनी मशाल मिलो 50 लाख का चेक भेजो। तो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मैंने ऑयल डाला ना, इतना तेज उसमें से पता नहीं क्या निकला, बहुत ही ज्यादा आईज में लगा। और हर्षित भाई क्या हाल हुआ था? आंखों से पानी बह रहा था। तो ये थी प्रॉब्लम तेल की। तो कोशिश करता हूँ मैं सारा लगेज घर से ही लेके चलूँ क्योंकि बाहर क्या कैसी चीज़ मिल रही है उसके बारे में नहीं पता चल पाता है। सो फिलहाल बिरयानी तो खैर टेस्टी बनी है। इसमें भाई आपकी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। अगली बार से ना हम अपने खाने का सामान अपने साथ कैरी करेंगे कि कभी हमें मार्केट जाने की दोबारा जरूरत ना पड़े। आज तेल लाए इतना, हम लेंगे इतना, मतलब दोबारा शॉप पे जाना पड़े। एग्जैक्ट, क्योंकि मैं सोलो राइड करता था तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपना सामान लेके चलता था, बट अब हम होते जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से पता नहीं कितने आगे बढ़ेंगे। 2 साल की बुकिंग पहले आ चुके हैं और अगली बार हमें सैम भाई के हाथ का चिकन खाना, नहीं तो तेरे को रेड पेन जान देंगे। तो ये इंटीमेशन मिल चुका है लक्ष्य भाई को कि नेक्स्ट टाइम जो भी हो हम भी साथ में चलेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट टाइम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ताकि हम लोग एक अच्छा सा बैग तैयार करें, उसके अंदर सारी ग्रोसरी प्रॉपर लेके आए ताकि हमें बीच में कहीं भी कुछ भी खरीदना ना पड़े। और सो सुबह मिलते हैं फिर ताज़ा खबर के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। टिल देन साइनिंग ऑफ, वांट राइड विद वेंडरिंग हर्षित, बाय, गुड नाइट, सी या। आप तो निंदी करो एसी में, हम क्या सोएंगे गर्मी में, बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे पता है। ताची हो जाओ, हवा ले जाओ यहाँ से। 50 लाख AC लगाओ।